अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज इन ऑनलाइन क्लासेस। जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द सेगमेंट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। सो टुडे आवर फर्स्ट पेयर इज पेयर्स P A R E पेयर छीलने को कहते हैं, छिलका उतारना किसी चीज का, फल या तरकारी वगैरह का, सब्जी वगैरह का जो है वो छीलना। पेयर P A R E शी वॉज पेयरिंग एप्पल्स इन द किचन। शी वॉज pairing apples in the kitchen. Pear, P-E-R, pear, nashpati, fruit. I like pears very much. I like pears very much. Next step, pear. जोड़े को कहा जाता है, जैसे अल्फाज के जोड़े हम बना रहे हैं, P A I R। ही बॉट ए पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द मार्केट। ही बॉट ए pair of shoes from the market. Couple दो, normally couple जो है वो मियां बीवी की मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, या दो के मीनिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कपल दो या हमें भी। दे आर न्यूली मैरिड कपल। दे आर newly married couple, joda. Pain, P A I N, pain, dard. Takleef ko kehte hain, aziyat ko kehte hain, dard ko kehte hain. He is feeling pain in his arm. In his arm, heel, कुछ भी कर सकते हैं। Pain, P A N E, pain, शीशे को कहा जाता है। रोशनदान में लगा होता है, दरवाजे में लगा होता है, ठीक है। तो ही ब्रोक द विंडो पेन।
ही ब्रोक द विंडो पेन. नेक्स्ट है जी परफेक्ट, PERFECT. मुकम्मल, कामिल. शी इज अ परफेक्ट टीचर. शी इज अ परफेक्ट टीचर. आगे इसका जो पेर है वह प्रीफेक्ट, PREFECT, सीनियर तालिबे को कहा जाता है. कॉलेजेस में आपने देखा होगा प्रीफेक्ट, ठीक है. ही इज द प्रीफेक्ट ऑफ हिज क्लास. जो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक बोर्ड होता है पूरा कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है. तो उनको मेम्बरान जो है उसके, उनको सीनियर स्टूडेंट जो है वो तसव्वुर किया जाता है. दे मेंटेन डिसिप्लिन एंड दे आल्सो कीप देयर आई ऑन द अदर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. तो प्रीफेक्ट, ही इज द प्रीफेक्ट ऑफ हिज क्लास. नेक्स्ट है ऑर्डर, हुक्म. ORDR, हुक्म. ही गेव अस ऑर्डर टू क्लोज दिस डोर. He gave us order to close this door. Our next order, ODOUR. खुशबू को कहते हैं ODOUR. A strange odor was there in the room. A strange order was there in the room. Pear, PARE, chilna. She was pearing apples in the kitchen. Pear, PER, pear. Nashpati ko kaha jata hai. I like pears very much. फिर है pear, PAIR, जोड़े को कहते हैं, जैसे हम ये pair of words अल्फाज के जोड़े कर रहे हैं अभी. He bought a pair of shoes from the market, या बाजार. Couple, दो, या मिया बीवी की जो है वो मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है. They are newly married couple. Next है pain, 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 दर्द को कहते हैं, अजियत को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं. He is feeling pain, is it or knee कह सकते हैं, toe कह सकते हैं, heel कह सकते हैं, feet कह सकते हैं, ठीक है जी. आगे PANE, pain, शीशा. He broke the window pane. फिर है जी perfect, मुकम्मल. She is a perfect teacher. आगे prefect, senior तालिबिन. He is the prefect of his class. आगे order, 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 हुक्म देना. He gave us order to close the door. और आगे order, ODOUR, खुशबू. A strange odor was there in the room. This is all about pair of words. इसके बाद हम next चलते हैं जी. हमारा जो book का सिलसिला है उस पर chapter number 4 जो है वो हमारा in progress है. Thank you ma'am, जो है हम पढ़ रहे हैं. तो उम्मीद है कि आपने ये सारे जो पैरा वर्ड्स हैं आज के ये मुकम्मल कर लिए होंगे.
और अगली जो एक्टिविटी है उसके लिए तैयार हो जाइए। लेसन नंबर हमारा 4 है, थैंक यू मैम लॉन्गेस्ट देन यू। हमारा राइटर है थैंक यू मैम। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जी, प्रोग्रेस है। तो इसके वर्ड सिनोनिम के साथ करते जाएंगे और साथ ट्रांसलेशन भी होती जाएगी। वर्ड सिनोनिम कल हमने, मेरे पास जो बुक है इसमें पेज है 44 और ऊपर वाली जो दो लाइनें हैं वो हमने पढ़ ली थी। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम। खातून अब भी अपने कमरे के दरमियान में उस लड़के को उसकी शर्ट फ्रंट से यानी सामने कमीज से उसे पकड़े हुए थी। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम, कहती आपका नाम क्या है। राजर, आंसर्ड द बॉय, लड़के ने कहा खातून मेरा नाम राजर है। देन राजर यू गो टू दैट सिंक, सिंक कहते हैं तसले को, बेसन, ठीक है, सिंक बेसन तसला। कहती है राजर फिर ऐसे करो, देन राजर यू गो टू दैट सिंक, कहती है फिर तुम उस बेसन पे जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना मुंह धो लो। सेड द वुमन, खातून ने कहा, वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज, और फिर ये कहते हुए उसने उस पे अपनी जो ग्रिफ थी वो ढीली कर दी, उसे ढीला छोड़ दिया, यानी उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार उसने राजर को क्या किया, उसी के उस पर अपनी ग्रिफ जो उसको ढीला छोड़ दिया, यानी उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, अब लड़का जब उसकी इस कैद से आजाद हुआ तो उसने क्या किया, रॉजर लुक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे को देखा, लुक्ड एट द वुमन, फिर खातून को देखा, लुक्ड एट द डोर, फिर दरवाजे को देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और फिर वो तसना तसला या बेसन जो था उस पे मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स फॉर्म, शी सेड, खातून ने कहा कि पानी जो है उसको, लेट द वाटर रन, उसको चलने दो, अंटिल यहां तक इट गेट्स फॉर्म, कि वहां गर्म पानी जो है उसका इखराज शुरू हो जाए, यानी गर्म पानी जो है वो आना शुरू हो जाए। Here is a clean towel, और कहती है ये लो साफ सुथरा तौलिया भी। You gonna take me to jail? कहते तुम मुझे जेल ले जाना चाहती हो? Gonna, नॉर्मल जो इसमें स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता, You gonna, तुम खातून take me to jail? तुम मुझे जेल ले जाना चाहती हो? Ask the boy bending over the sink, जब लड़का तसले पे बेसन पे झुका हुआ था तो उसने वहां झुके हुए खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप मुझे जेल ले जाना चाहती हैं? नॉट विद दैट फेस, खातून कहती है नहीं, इस चेहरे के साथ कम से कम मैं तुम्हें जेल नहीं ले जाना चाहती। आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, कहती है मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाऊंगी। सेड द वुमन, खातून ने कहा, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी ए बाइट टू इट, ए बाइट ईटेबल, खाने पीने की चीज। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम, कहती मैं अपना घर जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही थी, टू कुक मी ए बाइट टू ईट, ताकि अपने लिए कोई खाने की छोटी मोटी चीज है वो तैयार कर सकूं, ए बाइट ईटेबल।
एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम जो है वो मेरी पॉकेट बुक, मेरा पर्स वो जो है वो छीनते हो। मे बी यू हैवंट बीन टू योर सपर आइदर, कहती है शायद तुमने अभी तक अपना जो रात का खाना है वो भी नहीं खाया। लेट एज इट बी, क्योंकि ताखीर हो गई है, देर हो गई है। हैव यू, क्या तुम रात का खाना खा चुके? देयर्स नोबडी होम एट माई हाउस, बड़ी खूबसूरत बात है। देयर्स नोबडी होम, कोई आदमी नहीं रहता। एट माई हाउस, मेरे घर में, कहता है मेरे घर में तो कोई आदमी नहीं रहता। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन विल इट, सेड द वुमन, फिर खातून ने कहा कि हम खाएंगे, यानी खाना खाएंगे। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है, आई बिलीव, आई एम श्योर, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम भूखे हो। आर बिन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, मेरी ये जो पॉकेट बुक है, मेरा ये जो पर्स है, इसे छीनने की कोशिश में लगता है कि तुम भूखे हो या भूखे रहे हो। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, ब्लू नीले सूट कहते हैं नरम चमड़े को, साफ। नरम चमड़ा। आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, सेड द बॉय, लड़का कहता है खातून मुझे तो नीले जो कलर के नरम चमड़े के जूते हैं वो चाहिए, वो मैं तो चाहता हूं। वेल यू डिडंट हैव टू, यू डिडंट नीड टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूट शूज, सेड मिसेज लैला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। तो मिसेज लैला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स कहती है कि देखो बच्चे, तुम्हें नरम चमड़े के जूते खरीदने के लिए मेरा पर्स जो है उसे तो नहीं छीनना चाहिए था। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कहती है ये बात कह सकते थे। मैं मैडम, द वॉटर ड्रिपिंग फ्रॉम द फेस, ड्रिपिंग, ट्रिकल डाउन, बहना। Trickling. The water dripping from his face. लड़के के चेहरे से पसीना बह रहा था। The boy looked at her. लड़के ने खातून को देखा। There was a long pause. एक लंबा वक्फा था। There was no conversation between them. A very long pause. There was a very long break. Waqfa. After he had dried his face, अपना चेहरा खुश्क कर लेने के बाद, and not knowing what else to do, अब वो ये बात नहीं जानता था कि इसके बाद उसने क्या करना था, dried it again. उसने दोबारा अपना जो चेहरा था उसे खुश्क किया. The boy turned around. लड़का पीछे घुमा, मुड़ा, wondering what next, ये सोचते हुए कि अब इसके बाद जो है वो क्या काम था, क्या करना था। The door was open, दरवाजा खुला था। He could make a dash for it down the hall, कहता है वो नीचे हाल तक तेजी से दौड़ते हुए जा सकता था। Dash, run fast. तेजी से दौड़ती है, वो तेजी से दौड़ती है, कहता है नीचे हाल तक जा सकता था। ही कुड रन, यह भी उसके अपने एक थॉट है, ख्यालात है, वो दौड़ सकता था, रन, भाग सकता था, रन, वो वहां से जा सकता था, रन। ये सोचती है कि वो अब उसमें कोई जो है वो कदगन नहीं थी, खातून ने उसे जो है वो अब उस पर गिरफ्तार अपनी ढीली कर दी थी, लिहाजा वो जा सकता था। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड कहते हैं सोफे, डे बेड सोफा। खातून सोफे में बैठी हुई थी। आफ्टर ए व्हाइल शी सेड, थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, कहती है
कभी मैं भी, आई वर यंग वंस, कभी मैं भी कहती है जवान थी, एंड आई वॉन्टेड थिंग्स, मैं भी चीजें जो है चाहती थी, उनकी ख्वाहिश रखती थी, आई कुड नॉट गेट और हासिल ना कर सकी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और लंबी जो ब्रेक है, वक्फा है, वो आ जाता है। द बॉयज माउथ ओपेंड, लड़के का चेहरा खुला हुआ था। देन ही फ्राउंड, स्काउल, भवे नाक भवे चढ़ाना, SCOW, नागवारी का इजहार करना, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। देन ही फ्राउंड, फिर उसने अपनी नाक भवे चढ़ाई, नॉट नोइंग ही फ्राउंड, वो नहीं जानता था कि वो नागवारी का इजहार कर रहा था। द वुमेन सेड, अंदाजा एक खदुन ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम्हारा ख्याल था कि मैं कहना चाह रही थी, बट लेकिन डिड नॉट यू, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं था कि मैं कुछ कहना चाह रही थी, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने सोचा ये तुम्हारा ख्याल था कि मैं कोई बात जो है वो कहने जा रही थी, बट इट डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैं लोगों के जो पर्स हैं, कहती है वो जबरदस्ती नहीं छीना करती थी, स्नैच ग्रैब, जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन लेना। वेल आई वॉज नॉट गोइंग टू से दैट, कहती अच्छा मैं बहरहाल वो तुम्हें नहीं बताने जा रही थी। पॉज, वक्फा आ जाता है, साइलेंस, खामोशी हो जाती है। आई हैव डन थिंग्स टू, कहती है मैंने भी कुछ चीजें की हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, कहती है बेटे उनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, नाइदर टेल गॉड, नहीं कहती है खुदा, इफ ही डिड नॉट ऑलरेडी नो, यानी अल्लाह ताला तो हर चीज जानते हैं, अगर वो पहले से ना जानते हुए तो कहती है मैं किसी को भी ये, यानी अल्लाह को भी नहीं, ये नहीं बताऊंगी। Everybody has got something in common. Everybody has got something. हर आदमी जो है उसमें कुछ कदरें जो है, कोई चीज जो है वो मुश्तरक होती है, कॉमन होती है। So you sit down while I fix us something to eat. Fix लगान। You sit down. कहती है तुम बैठ जाओ। While I fix us something to eat. जबकि मैं अपने खाने के लिए कोई चीज जो है वो यहां पे टेबल पे लगाती हूं। You might run that comb through your hair. कहती है तुम वो जो कंघी है ना वो जरूर अपने बालों में जाओ वो कर लो। So you will look presentable. Presentable, fit to be seen. ताकि तुम अच्छे नजर आओ, खुशगवार नजर आओ, बेहतरीन नजर आओ, presentable, ठीक ठाक नजर आओ। To be seen good, ताकि अच्छी नजर आओ। In other corner of the room, behind a screen, screen कहते हैं पर्दे को, divider को। In another corner of the room, behind a screen, कहते हैं कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे, was a gas plate, हर्थ चूल्हा, वहां गैस का चूल्हा था। And an ice box और refrigerator था। Mrs. Jones got up, उठी, rose and went behind the screen, और पर्दे के पीछे चली गई। The woman did not watch the boy to see if he was going to run. अब खातून ने लड़के को यह देखने के लिए को भाग जाएगा उसकी जो है वो उस पर अपनी नजर जो है वो न रखी, निगरानी न की। Not did she watch her purse, ना ही उसने अपने पर्स की निगरानी की। विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डेविड, जो वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ आई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फॉरसेट डोर फॉर ऑफ प्लेस, बट द बॉय टुक केयर, लेकिन लड़के ने बड़ी एहतियात बरती, टू सिट ऑन द फोर साइड ऑफ द रूम, और वो कमरे का जो दूसरा दूर कोना था उस पर बैठ गया। बट अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर, वेयर
He thought she could easily see him out of the corner of her eye. जहां उसका ख्याल था कि वो अपनी आंख के कॉर्नर से किनारे से उसे आसानी के साथ देख सकती थी. If she wanted to, अगर वो चाहती, यानी अगर वो उस पर नजर रखना चाहती, उसे देखना चाहती, तो वो अपने आंख के किनारे से उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकती थी, उसका मुशाहदा कर सकती थी, उसको देख सकती थी. He did not trust the woman. उसने खातून पर भरोसा न किया, एतमाद न किया. He did not trust, not to trust him, कि वो उस पर भरोसा ना करे. And he did not want to be mistrusted. No. लेकिन वो साथ ही साथ ये भी नहीं किया जाता था कि उसको डाउटफुल जो है वो ख्याल किया जाए. मिसट्रस्ट, डाउटफुल. डाउट, वो नहीं चाहता था कि उस पर शक किया जाए. डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क द बॉय. लड़का पूछता है कि क्या आपको किसी आदमी को स्टोर पे भेजने की जरूरत है. मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, मुमकिन है कि आपको मिल्क या कोई और चीज, दूध या कोई और चीज जो है वो चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए आपको किसी आदमी को जो है स्टोर पे भेजने की जरूरत हो. डोंट बिलीव आई डू, कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसी जरूरत हो. सेड द वुमन, खातून ने कहा, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ. हाँ, कहते हैं अगर आपको मीठा दूध अपने लिए चाहिए तो, अदरवाइज मुझे तो कोई जरूरत नहीं है स्टोर से कोई चीज मंगवाने की. आई वॉज गोइंग टू मेक कोका आउट ऑफ दिस केन्ड मिल्क आई गॉट हियर. केन्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड मिल्क, वो मिल्क जो डिब्बों में बांध होता है, ठीक है. आई वॉज गोइंग टू मेक कोका, मैं कहती है कोका जो है वो बना रही थी आउट ऑफ दिस केन्ड मिल्क, ये जो डिब्बों वाला दूध है, महफूज किया गया दूध है, इससे कहती है मैं कोका जो है वो बनाने जा रही थी या बना रही थी. That will be fine, said the boy. लड़का था, ये तो बेहतरीन होगा. She heated some lima beans. लोबिया की कुछ लिमा बीन थी, लोबिया की फलियां, कहते उसने वो गर्म की. And beef, कुछ गोश्त बड़ा था, बड़ा गोश्त था, वो उसने गर्म किया. She had in the ice box. खादून के पास फ्रिज में जो गोश्त पड़ा था, बड़ा गोश्त और कुछ लिमा बीन्स, कहते वो उसने जो है वो गर्म की. मेड दी कोका, उसने दूध से कोका बनाया. एंड सेट दी टेबल एंड केप्ट इट ऑन दी टेबल, और उसे उस पे टेबल पे जो है वो सजा दिया, रख दिया. द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट, खातून ने लड़के से उसके मुतल्लिक कोई चीज ना पूछी. वेयर ही लिव्ड, के वो कहां रहता था. और हिज फोक्स, फोक्स कहते हैं रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, मां बाप को. रिलेटिव्स, रिश्तेदार, मां बाप. और इस फोक्स, उसने उसके मां बाप के बारे में भी उससे ना पूछा. और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरेस हिम, या कोई और ऐसी चीज जो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होती. एम्बेरिस, परेशानी, कंफ्यूजन, ह्यूमिलिएट, एम्बेरिस. ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी का बायस. इंस्टेड एज दे एट, बजाय इसके खाना खाते हुए, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब, उसने उसे अपना जो जॉब था, काम था, उसके बारे में बताया. इन होटल ब्यूटी शॉप, जो कि वो होटल की एक जो ब्यूटी शॉप थी वहां पे वो करती थी. दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात गए तक खुली रहती थी. दैट स्टेड ओपन लेट, रात गए तक, बहुत देर तक, लेट नाइट, कहते वो खुली रहती थी. व्हाट द वर्क वाज लाइक, वहां पे काम की नोयत क्या थी. एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और वहां हर किस्म की जो ख्वातीन थी वो कैसे आती और जाती थी. ब्लॉन्ड्स, गोल्डन कलर की, रेड हेड्स, सुर्ख सरों वाली, एंड स्पेनिश, और हिस्पानवी ख्वातीन जो है ये वहां उस होटल की ब्यूटी शॉप जहां वो काम करती थी वो वहां पे जो है वो कैजुअली विजिट करती रहती थी, आती थी. देन शी कट हिम ए हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, कट, काट देना. Then she caught him a half of her, उसके पास जो घर में
टेन सेंट, सेंट करेंसी का नाम है, ठीक है। तो 10 सेंट का जो एक उसके पास केक पड़ा था आधा, वो उसने काट के जो है वो बच्चे को दिया। Eat some more son, she said. उन्होंने कहा मेरे बच्चे मजीद कुछ और खाओ। When they finished eating, she got up and said. जब उन्होंने खाना खत्म किया वो उठी और कहा Now hair, take this $10 and buy yourself some blue shoes. तो कहती है आप ऐसे करो कि ये $10 जो है ये ले लो और आपने लिए नीले नरम चमड़े के जूते जो है वो खरीद लो। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक। लैचिंग छीनना, गेट लैचिंग, गेट। एंड नेक्स्ट टाइम, और कह दिया अगली दफा, और डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, और अगली दफा कहती है या इसके बाद मेरा जो पॉकेट बुक है यानी मेरा जो पर्स है वो छीनने की गलती नहीं करनी। एंड नोबडी एल्स, और ना ही किसी और आदमी का पर्स छीनने की कोशिश करनी है। क्यों? बिकॉज शूज गॉट बाय डेविलिश वेस, डेविलिश वेस इवल वेस, बुरे तरीके से, शैतानी राय से। कहती है वो जूते जो शैतानी जराए से, बुरे जराए से हासिल किए जाएं, द शूज गॉट बाई डेविलिश वे विल बर्न योर फीट, कहती है वो आपके पांव को जला डालेंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट, कहती है मुझे अब आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर ऑन, लेकिन अब इस वक्त से, सन बेटे आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, बिहेव गुड ट्रीटमेंट, कि आप अपने साथ जो है वो अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, यानी इस किस्म का जो बिहेवियर है वो अब आप नहीं अपनाएंगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, कहते हैं जो बड़ा दरवाजा था उसकी तरफ जो दरवाजा खुलता था वो हॉल, उसकी तरफ वो उसे ले आए। शी लेड हिम, उसने उसकी रहनुमाई की। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, नीचे जो फ्रंट डोर के पास हॉल था वहां तक उसने उसकी जो है वो रहनुमाई की, यानी उसके साथ आई। एंड ओपन इट, और उस दरवाजे को खोला। गुड नाइट, शब है, बिहेव योर सेल्फ, कहते हैं अपना अच्छा ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। बॉय, बेटे, लड़के, शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट, गली में बाहर देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप, जब वो जीनों से नीचे उतर रहा था तो गली में उसने उसकी तरफ देखते हुए उसे कहा कि अपने साथ अच्छा सलूक करना है, अपना अच्छा ख्याल करना है। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसेज लेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, लड़का मिसेज लेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को खुश थैंक यू शुक्रिया के अलावा भी, यानी शुक्रिया मादाम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, बट ऑल तो हिज लिप्स मूव्ड, और अगरचे उसके जो होंठ हैं उन्होंने हरकत भी की, ही कुड नॉट इवन से, लेकिन वो कुछ ना कह सका। दैट एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, बैरन बेयर वीरान डिजर्टेड, कहते जब वो वीरान कोने से मुड़ा गली से, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन, और उस लंबे कद की खातून को देखा इन द डोर, दरवाजे में, देन शी शट द डोर, और आफ्टर दैट उसने क्या किया, शी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।